Alright, what's up everybody, it's your boy Viru Samra, back again with a new vlog. And guys, आज हम जा रहे हैं दीप्ता लेने. So, अभी सारे बंदे इकट्ठे हो रहे हैं एंड देख सकते हैं वेदर कितना सही है. और आज हमारे गांव में दीप्ता आ रहे हैं, दीप्ता महेश्वर जी, और हम अभी पुजाली जाएंगे उनको लेने. मेरे साथ अभी रजत है उधर. एंड गाइस देखो, रिजुल भी आ गया है. बिल्कुल लीवाइस की टी शर्ट पहनी है बंदे ने. और रिजुल क्या हाल है? बढ़िया 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 भाई जी, बढ़िया। चलो भाई जी फिर यार. एंड गाइस, धूप बहुत हो चुकी है और इतनी धूप हो चुकी है कि देखो थार भी बंदों ने पेड़ के नीचे पार्क करी है और भाई लोग भी देखो पेड़ में बैठे हैं. और भाई लोग ठीक है? ये देखो कितनी अच्छी जगह है. नहीं, धूप धूप आ रही है, धूप आ रही है, मोटी हवा आ रही है. एंड गाइस, अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए एंड ये है शॉर्टकट. ये सीधा हमें पहुंचाएगा नीचे, क्या बोलते हैं यार वहां को, उजाली ढाक. यस भाई, देख लो गाइस, ये पुराने रास्ते होते हैं. जब रोड नहीं होता था उस टाइम ये रास्ते होते थे. और ये देखिए गाइस, नीचे ये रोडू के लिए जाता है, रोड है ना रिजल. बहुत ही डेंजरस रोड है गाइस, ये देख सकते हैं आप. अगर आप थोड़ा सा भी फिसले तो सीधा नीचे NH पे किसी बस के छत पे या फिर ट्रक के डाले में होंगे. ओ ओ, या तो फास्ट फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा. पहला ब्लॉग वैसे वो था है? जो उस टाइम नहीं बताया था, जब हमारे को शेल्टर मिला था. क्या मिला था? शेल्टर नहीं मिला था एक बार. हाँ हाँ वहाँ से भी ब्लॉगिंग की वो शुरू की. एंड अब ये वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा हमारे को मंदिर के लिए गाइस. ले जाएगा सीधा पुजाली मंदिर. दिखा देता हूँ मैं आपको मंदिर कहाँ पे है. वो देखो गाइस सामने, अगर आपको दिख रहा हो वो रहा मंदिर, वहां पहुंचना है हमने अभी. एंड गाइस, जो ये पुल है ना, ये पहले मैं क्रॉस करूंगा. चल रजत, ये कभी भी गिर सकता है गाइस. देख तो जरा. भाई ये तो बहुत. कौन लेगा इसको? गाइस ये बहुत हिल रहा था, पर अगर आपको पता नहीं दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा. एंड गाइस रिजुल जा रहा है, दिखाएगा आपको कि कितना हिल रहा है. दिख रहा है कुछ? आ जा वापसी, आ जा. देखो गाइस कितना हिल रहा है. ये तो कभी भी टूट सकता है. ये हमने थोड़ा रिस्क लिया गाइस. क्या बोलते रहे गाइस? मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इस पुल पे ना चले, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है. हम तो थोड़ा व्यूज के चक्कर में चल गए. एंड गाइस, अब आपको सीधा मिलते हैं हम मंदिर पे. एंड गाइस, फिलहाल फाइनली हम पहुंच गए मंदिर. ये देख सकते हैं गाइस, ये मंदिर दीप्ते का, मेश दीप्ते का. ओह, ये रहा महेश महल. और एंड गाइस, ये है दीप्ते का मंदिर. एंड गाइस, अभी बंदे मतलब हमारे गांव के जो भाई लोग हैं, वो अभी अंदर मंदिर में एंड बात बात कर रहे हैं. एंड कुछ देर बाद हम दीप्ते को अपने गांव खनोला ले जाएंगे, क्योंकि आज पूजन है. सो स्टे ट्यून गाइस. एंड गाइस, अभी मंदिर में वर्क चला हुआ है थोड़ा. रजत यहाँ, रजत थोड़ा फोटोग्राफी कर रहा है. एंड रिजुल बॉय एंड ए गुडू बॉय.
तेरा है गुड्डू बॉय। एंड गाइस ये है जो दीप्ति के साथ बाजा वगैरह होता है। गाइस अब दीप्ता निकलेगा बाहर और जी समर अंकल चलना कब चलना। गाइस अभी एक बंदा नहीं आया भजंत्री, तो उनका वेट कर रहे हैं। वो कैसे हो? नमस्कार। एंड ये है मंदिर प्रांगण। एंड गाइस ये है शीश महल। एंड गाइस अभी देवता जी को तैयार कर रहे हैं अंदर। सो गाइस ये है कुरड़, ये मंदिर की छत पे लगते हैं गोल्डन कलर में, बिल्कुल गोल्डन पॉलिश किया हुआ है इस पे। ये ऊपर त्रिशूल है। ये कुछ शीश महल पे जो कारीगरी है उनकी कुछ क्लिप्स है। गाइस रजत के पैर में घुस चुकी है कील। एंड निहाल भाई चले गए हैं और स्टार्ट हो गई है अब देवता निकलना। चला जाएगा से गाइस दीप्ता साहब चल पड़े हैं खनोला की ओर। एंड आपको अभी इनकी यात्रा दिखाएंगे हम खनोला के लिए। वो टाइम लैप्स वाला वो बनाया फास्ट वाला। गाइस अब दीप्ता साहब जा रहे हैं।
और जी क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, चलो फिर। सो गाइज, अब देवता जी जो है वो खनोला के लिए निकल चुके हैं एंड जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें दिखाया जाएगा कि खनोला की यात्रा और उसमें जो प्रतिष्ठा हुई है हमारे गांव में, पूजन वगैरह। सो स्टे ट्यून गाइज़।